गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, सो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम गिवन। तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन का डिस्कशन किया था। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब आइडियल गैस इक्वेशन में आगे पढ़ते हैं एनटीपी एसटीपी की कंडीशंस। वो कंप्लीट हो गया था। चलो नेक्स्ट। नंबर ऑफ मोल्स के लिए रिलेशन फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, हेडिंग डालिए फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, फॉर गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस और गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। एसटीपी एंड एनटीपी की कंडीशन पे जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा एट एसटीपी इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। नोट करिए फॉर्मूला। तो ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अब ये कैसे आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस? देखिए, ये फॉर्मूला तभी लगेगा मोल्स निकालने के लिए, मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन हो बट एट एसटीपी की कंडीशंस पे। एसटीपी की कंडीशंस में अगर आप इसी को एमएल में यूज कर रहे हैं तो एमएल के लिए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इन एमएल। लीटर की जगह एमएल में ले लिया, मिलीलीटर। तो दिस विल बी 22,400 ml ये आ जाएगा। नोट कर लीजिए दोनों फॉर्मूले। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22,400 ml। एमएल में रखा गया या लीटर में रखा गया? नोटेड। चलो नेक्स्ट। अपॉन में 22.4 लीटर लिखा है इधर, और दैट 22,400 ml। चलिए नेक्स्ट देखिए। सो वॉल्यूम ऑफ गैस ये 22.4 कहां से आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। किसी गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी फॉर 1 मोल।
अगर आपने किसी भी गैस का, कोई भी गैस है, गैस यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रहे हम, गैस में भी O2, N2, CO2, एनी काइंड ऑफ गैस, कोई भी गैस अगर है तो उसका STP पे जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 1 मोल के लिए। तो STP कंडीशन अगर हम यूज करें, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो STP की कंडीशंस पे टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस, विच विल बी 273 केल्विन। प्रेशर कितना रखा जाता है, 1 atm, 1 atm, ये STP की कंडीशंस हो गई। अब इसके लिए अगर हम PV इज इक्वल टू NRT लगाएं, PV इज इक्वल टू NRT, कैलकुलेट क्या करना है, V वॉल्यूम, NRT अपॉन P, देन V, V इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, N की वैल्यूज रखिए, मोल्स कितने हैं, 1 मोल लिया है, N की वैल्यू 1 मोल है, ये N दिया है क्वेश्चन में। R की वैल्यू आपको पता है, 1/12। T की वैल्यू, टेम्परेचर कितना लिया गया, 273 केल्विन, STP की कंडीशन, तो 273 रख दिया, वैल्यूज रख दे रहे हैं। और प्रेशर कितना रखा जाएगा, डिवाइडेड बाय पी है, तो प्रेशर रखा जाएगा 1 atm। ये सारी वैल्यूज रख दी फॉर्मूले में, एन की वैल्यू, आर की वैल्यू 1/12, टी की वैल्यू 273, प्रेशर है 1, सारी वैल्यूज रख दी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम ये ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, 22.4 लीटर के अराउंड। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारी STP की कंडीशंस होती है उस पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है वो कितना होता है, ऑलमोस्ट 22.4 लीटर के अराउंड। ठीक है, सो यहाँ से नोट कर लीजिए, फॉर एनी गैस इट्स वन मोल ऑलवेज ऑक्यूपाई, फॉर एनी गैस इट्स 1 मोल ऑलवेज ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट एस टी पी। सो फॉर एनी गैस इट्स 1 मोल ऑलवेज ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट STP। नोट करिए यहाँ तक। सो STP की कंडीशन में किसी भी गैस का जो 1 मोल होगा वो कितना ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर। ये वॉल्यूम होगा। डन। ठीक है, नोट करो। चलिए, तो ये हो गया। तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम अभी नोट नहीं कर पाए, फास्ट नोट करो भाई थोड़ा। डन। चलिए, क्वेश्चन हम कर रहे थे, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कैलकुलेट
कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 10 मोल्स ऑफ CO2 गैस एट STP. क्या आंसर आएगा? सो हमको वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है 10 मोल्स ऑफ CO2 गैस एट STP. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 10 मोल्स ऑफ CO2 गैस एट STP. तो एट STP हमें क्या पता है? एट STP फॉर एनी गैस 1 मोल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम. सो 1 मोल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम. सो 10 मोल्स विल ऑक्यूपाई 22.4 इंटू 10 दिस लीटर ऑफ वॉल्यूम. तो आंसर कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 224 लीटर. सो 224 लीटर ऑफ वॉल्यूम. सो 10 मोल्स ऑक्यूपाई 224 लीटर ऑफ वॉल्यूम. नॉर्मल रिलेशन यूज किया और वहां से हमने वॉल्यूम बता दिया. तो ये लाइन याद रखिए, फॉर एनी गैस 1 मोल ऑलवेज ऑक्यूपाई 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम. डन, नोट करो. Noted. Next one. Next question. Slide रुक जाओ, चेंज होने दो स्लाइड. बहुत स्लो नोट कर रहे हो यार तुम लोग. आधे लोगों का आंसर भी आ गया था अभी, फिर भी कुछ लोग नोट नहीं कर पा रहे. रुकिए एक मिनट, नोट करिए. चलो नेक्स्ट. For N2 gas, the volume occupied by its given sample, for N2 gas, the volume occupied by its given sample is, by its given sample is 0.0112 liter at STP. Calculate first the number of moles of N2 gas, second, mass of N2 gas, third, number of molecules of N2 gas, and fourth,
नंबर ऑफ, फोर्थ इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस, नंबर ऑफ मास ऑफ N2 गैस, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 गैस एंड देन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। देखिए अभी यहाँ पे हमको मोल्स कैलकुलेट करने हैं, मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, एटम कैलकुलेट करने हैं, मास भी कैलकुलेट करना है। तो जितना मोल का प्रीवियस रिलेशन हमने पढ़ा है विद मास विद मॉलिक्यूल्स एंड अब वो उन दोनों को हम एक साथ रिलेट कर रहे हैं विद वॉल्यूम, जो वॉल्यूम का थर्ड रिलेशन हमने पढ़ा है मोल्स का, क्योंकि वॉल्यूम आपको गिवन है एसटीपी की कंडीशन में और उससे मोल्स मॉलिक्यूल मास सब कैलकुलेट करना है। तो वन बाय वन कैलकुलेट करिए, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस निकालिए कितना होगा। फर्स्ट तो फॉर N2 गैस द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इट्स गिवन सैंपल इज दिस, एट STP कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस। बताइए फर्स्ट का आंसर कितना आया। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, चेंज कर रहा हूं मैं स्लाइड। सो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। एक मिनट, स्लाइड चेंज ही नहीं हो रही। चलिए नंबर ऑफ मोल्स पहला क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 ये कैलकुलेट करना है। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP, जो फॉर्मूला पढ़ा हमने और वो भी किस में रखना है लीटर, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि हमको वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम कितना गिवन है 0.0112 डिवाइडेड बाय 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 11.2, तो 10 की पावर इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसको अगर मैं 11.2 बना दूँ 22.4, तो 10 जो डेसिमल है उसको मैंने शिफ्ट कर दिया तो 10 की पावर -3 आ गया, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा 2 टाइम्स, तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब पहले मैं 1/2 रख दे रहा हूँ, 10 की पावर -3, 1/2 का मतलब 0.5, 0.5 × 10⁻³, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 × 10⁻⁴। 5 × 10⁻⁴, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। समझ में आया क्या, पहला पार्ट समझ में आया आपको, फर्स्ट पार्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉर्मूले में रखा है और उसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके हमारे पास ओवरऑल वैल्यूज आ गई 5 × 10⁻⁴ मोल्स।
ये मोल्स आ गए। अब हमको कैलकुलेट करना है मास। सेकेंड पार्ट नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन जीएमएम। नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं 5 × 10⁻⁴। 5 × 10⁻⁴ मास तो निकालना है, मास ऑफ नाइट्रोजन N2 गैस। जीएमएम कितना लिखा जाएगा N2 का, 28। दूसरा फॉर्मूला देखो, मोल्स के डिफरेंट रिलेशन जो हमने पढ़े हैं सबका यूज कर रहा हूं। पहले जो पहला पार्ट किया उसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स का यूज किया वॉल्यूम के साथ फॉर्मूला, अब दूसरे में मास निकालना है तो उसका मास वाला रिलेशन यूज कर रहे हैं क्योंकि मोल्स पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू मास अपॉन जीएमएम। सो यहां से मास ऑफ N2 गैस विल बी इक्वल टू 28 × 5 × 10⁻⁴। ये फॉर्मूला पढ़ा ही है हमने, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 140 × 10⁻⁴ और ये आ जाएगा 1.4 × 10⁻²। तो यहां से आ गया मास ऑफ N2 गैस। ये आ गया मास ऑफ नाइट्रोजन गैस। मास ऑफ नाइट्रोजन N2 गैस विल बी इक्वल टू 1.4 × 10⁻², और ये किस में आएगा, ग्राम में ना, यूनिट भी लिखनी है। मोल्स के तो कोई यूनिट नहीं, वो तो नंबर रिप्रेजेंट करता है, तो मोल्स दिखा दिए, ये आ गया ग्राम में 1.4 × 10⁻²। अब थर्ड पार्ट हमको निकालने थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे कैसे, यूनिटरी मेथड से या अगेन फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगा लीजिए। फॉर्मूला के लिए क्या लग जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज। अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, नंबर ऑफ एंटिटीज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय NA। तो नंबर ऑफ मोल्स तो पता है 5 × 10⁻⁴, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय NA। तो यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। तीनों चीजों को मैंने रिलेट कर दिया है, वॉल्यूम को वाले को भी, मास वाले को भी, एंड मॉलिक्यूल्स वाले को भी। तीन फॉर्मूले हमने नंबर ऑफ मोल्स के पढ़े हैं, तो NA × 5 × 10⁻⁴, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए किसके, N2 के। मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो N2 की बात की जाएगी, अभी एटम्स निकालना है चौथा पार्ट। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 विल बी इक्वल टू NA × 5 × 10⁻⁴। नोट करिए, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू NA × 5 × 10⁻⁴। यूनिटरी मेथड भी लगा सकते थे बट मैंने तीनों का फॉर्मूला लिख के बता दिया है, वहां से आपका सीधा आंसर आ गया। अभी नंबर ऑफ एटम्स है, ये तो मॉलिक्यूल्स आए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स निकाल लें। नोट करो यहां तक पहले। डन, जल्दी नोट करिए। चलो तो फोर्थ पार्ट भी कैलकुलेट करो। अब
फोर्थ पार्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए हमारे पास, अभी नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आए, Na इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -4। फोर्थ पार्ट है नंबर एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ N2, वन मॉलिक्यूल ऑफ N2 कंटेन टू एटम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के दो एटम है इसमें N2 में। सो वन मॉलिक्यूल ऑफ N2 कंटेन टू एटम ऑफ नाइट्रोजन, देन 5 × 10⁻⁴ इंटू Na मॉलिक्यूल्स। दिस मॉलिक्यूल ऑफ N2 विल कंटेन हाउ मैनी एटम्स, विल कंटेन 2 × 5 × 10⁻⁴ इंटू Na एटम्स। 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 10⁻⁴ Na एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, 10 × 10⁻⁴ इंटू Na एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा Na × 10⁻³। Na × 10⁻³ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ये आंसर आ गया फोर्थ का। क्लियर है सबको? चारों पार्ट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। गया सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ 0.002 Na, इफ 0.002 Na, इफ 0.002 Na नंबर ऑफ एटम्स, इफ 0.002 Na नंबर ऑफ एटम्स आर कंटेन्ड बाय CO2, इफ 0.002 Na नंबर ऑफ एटम्स आर कंटेन्ड बाय CO2 गैस एट STP, देन कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस, सेकेंड
मास ऑफ CO2 गैस, थर्ड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO2 गैस एट STP, एट STP फोर्थ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन गिवन सैंपल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन गिवन सैंपल फिफ्थ पार्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम सिक्स पार्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम स्लाइड अभी चेंज हो जाएगा, स्लाइड चेंज हो जाएगा, डोंट वरी। नोट करिए सारे क्वेश्चन और स्टार्ट करिए, 2 मिनट का टाइम है, सब लोग सॉल्व करिए। नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है CO2 गैस के लिए एट STP, आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ CO2 गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ब्लैंक आ रही है साइड, ठीक है, जिसने नोट कर लिया स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, स्क्रीनशॉट डालिए, एक दो लोगों को स्लाइड नहीं दिख रही है, जिसने नोट कर लिया स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। आया आंसर किसी का?
क्या हुआ, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ CO2, वो तो कैलकुलेट ही करना है ना, वॉल्यूम ऑफ CO2 तो कैलकुलेट ही करना है, थर्ड पॉइंट वो तो आपको निकालना ही है। चलिए अभी हो गया एम साहब, अब मैं बता रहा हूँ सब लोग, अब देखिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस। कितना है फर्स्ट का आंसर, 2 × 10⁻³। ठीक है चेक करते हैं, अभी सब लोग इधर देखिए, अभी मत करिए। सो नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो टोटल दे रखा है 0.002 Na, नंबर ऑफ एटम्स। अब किसके एटम दिया है क्वेश्चन में, दिस इज फॉर ऑक्सीजन और फॉर कार्बन, किसी का मेंशन नहीं किया है ना कि ऑक्सीजन है या कार्बन है, तो हमको क्या करना है, ओवरऑल रखना है, सॉरी ओवरऑल मतलब ओवरऑल नंबर ऑफ एटम्स ही दिया है, 0.002 Na नंबर ऑफ एटम्स। ये तीनों के नंबर ऑफ एटम्स हैं तो उससे हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मास निकालना है। तो चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ CO2 गैस। CO2 गैस के जो नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं हमको कितना दिया हुआ है, 0.002 Na। तो अब देखो यहां पे लाइन क्या लिखी जाएगी, वन मॉलिक्यूल, हम रिलेशन यूज करेंगे, वन मॉलिक्यूल कंटेन, एक मॉलिक्यूल कितना कंटेन कर रहा है, वन मॉलिक्यूल कंटेन 3 एटम, वन मॉलिक्यूल कंटेन 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी 3 एटम ऑफ, या 3 एटम टोटल लिख देते हैं क्योंकि टोटल में रिप्रेजेंट करना है हमको, नाइट्रोजन ही कार्बन या ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते आप, टोटल एटम की बात कर रहे हैं, वन मॉलिक्यूल कंटेन 3 एटम। सो इसी लाइन को अगर मैं उल्टा लिख दूं तो क्या लिखूंगा, 3 एटम, 3 एटम कंटेन्ड बाय, 3 एटम कंटेन्ड बाय वन मॉलिक्यूल, 3 एटम कंटेन्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 3 एटम कंटेन्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। सो 0.002 Na, या एक लाइन और मैं यहां ऐड कर दे रहा हूं, 3 एटम कंटेन्ड बाय दिस, तो वन एटम कितने कंटेन होगा, वन एटम कंटेन्ड बाय
कंटेन्ड बाय 1/3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 1/3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो 0.002 Na। दिस एटम विल बी कंटेन्ड बाय 1/3 इंटू 0.002 Na, 0.002 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ तो 0.2 Na मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए लाइन, थ्री एटम कंटेन्ड बाय वन मॉलिक्यूल, अगर थ्री एटम कंटेन्ड बाय वन मॉलिक्यूल, सो वन एटम कंटेन्ड बाय 1/3 मॉलिक्यूल, सो दिस एटम कंटेन्ड बाय दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ये होगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 0.002 Na, 0.002 Na डिवाइडेड बाय 3, दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। नोट करिए पहले, यहां तक इतने मॉलिक्यूल्स आए CO2 के। नोटेड, तो अब हम रिलेशन यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स का, मोल्स निकालने हैं। तो अब अगर हम नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन यूज करें तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 will be equal to number of molecules कितना आया था, 0.002 Na divided by 3 into Na, Na से Na cancel out, so number of moles कितने आए, number of moles of CO2 will be equal to 0.002 divided by 3. 0.002 divided by 3. अगर आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2/3 कर लें अगर, और यहां पे हम करते हैं 10^-3, डिवाइड कर लेंगे तो 2/3 कितना आ जाएगा, 0.666, तो 0.666 10^-3। तो यहां से आप नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हैं, 6.66 इंटू 10^-3। सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू 6.66 इंटू 10^-3। समझ में आया, किसको किसको डाउट है इसमें, 10^ ये -4 हो जाएगा, लास्ट वन पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो
क्या क्लियर है सबको? फर्स्ट पार्ट नंबर ऑफ मोल्स, पहला आंसर। अभी ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया, अभी आप क्या कैलकुलेट करना है हमको, नंबर ऑफ मोल्स के साथ वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना था और मास भी। सेकंड पार्ट था मास का, तो मास कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाइए। नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू मास अपॉन जीएमएम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना गिवन है हमारे पास, 6.66, यही आंसर आया, 10^-4 मास। मास तो कैलकुलेट करना है। जीएमएम ऑफ CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2 का जीएमएम कितना होगा, फिर 44, कार्बन 12, ऑक्सीजन 32, दिस विल बी 44। सो मास विल बी इक्वल टू 6.66 इंटू 10^-4 इंटू 44, इतना ग्राम, ये मास आ गया। सेकेंड आंसर। ये भी नोट करिए, सेकेंड आंसर मास 6.66 इंटू 10^-4 इंटू 44, सेकेंड आंसर आ गया ग्राम में। डन, लास्ट स्लाइड। ठीक है, लास्ट स्लाइड में क्या छूट गया, जल्दी नोट करो। सॉरी, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, नहीं ओवरराइटिंग नहीं होगा, वो अभी क्लियर हो जाएगा, अभी देखिएगा चेंज हो जाएगी, आई थिंक स्लाइड चेंज कर दिया। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, 6.66 10^-4 वैल्यू रखी, वॉल्यूम ऑफ गैस कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4, तो यहां से वॉल्यूम ऑफ गैस कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी 6.66 10^-4
माइनस फोर इंटू 22.4 इतना लीटर। ये आंसर हो गया वॉल्यूम ऑफ गैस। सो वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी इक्वल टू 6.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस फोर इंटू 22.4 लीटर। ये थर्ड आंसर हो गया। अब इसके बाद क्या बचा है? इसके बाद क्या कैलकुलेट करना था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू कार्बन एंड ऑक्सीजन। क्या वो हो जाएगा सबसे लास्ट के पार्ट? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पता है, नंबर ऑफ मोल्स भी पता है, नंबर ऑफ एटम्स भी पता है। ओवरऑल कार्बन एंड ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने हैं और उनके नंबर ऑफ एटम्स भी निकालने हैं। पहले नोट करिए यहां तक। डन। रुकिए स्लाइड से इन टाइम लगे थोड़ा। सो हमारे पास 0.002 Na नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ था CO2 गैस के लिए। तो पहला पार्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा मास ऑफ CO2, तीसरा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO2, चौथा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन गिवन सैंपल। ये कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने कार्बन के एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एटम कैलकुलेट हो जाएगा सबसे अभी। ऑक्सीजन एटम निकाल लोगे? ये बताइए टोटल मॉलिक्यूल्स में, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम दिख रहे हैं आपको? एक मॉलिक्यूल में अगर बोला जाए एक मॉलिक्यूल है CO2 का, उसमें कितने एटम दिख रहे हैं टोटल? टोटल एटम 3 एटम्स। थ्री एटम्स है ना टोटल? टोटल एटम्स बोल रहा हूँ, 3 एटम्स। और उन 3 एटम में ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 एटम। तो टोटल 3 एटम में ऑक्सीजन के 2 एटम। तो क्या यूनिटरी मेथड लगा के 0.002 Na टोटल एटम्स में कितने ऑक्सीजन है वो निकाल सकते हैं? हो जाएगा ना, यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे कि इन टोटल 3 एटम ऑफ CO2, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। तो अगर 2 एटम है ऑक्सीजन के इन 3 एटम में, तो 1 एटम ऑफ CO2 में कितने होंगे? 2/3 एटम डिवाइड हो जाएगा, 2/3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास है 0.002 Na एटम ऑफ CO2। तो इसमें ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे? 2/3 × 0.002 Na एटम ऑफ ऑक्सीजन, जो जाएगा 0.004 Na/3। इतने एटम ऑफ
ऑक्सीजन। ये हो गया फोर्थ पार्ट का आंसर। ध्यान से समझिए तो चीजें समझ में आएंगी। थ्री एटम ऑफ CO2 में दो एटम ऑक्सीजन के हैं, क्योंकि अगर एक मॉलिक्यूल CO2 का है उसमें टोटल तीन एटम है और उन तीन एटम में से दो एटम ऑक्सीजन के हैं, तो अगर एक एटम लिया गया तो यहाँ 2/3 हो जाएगा। तो इतने नंबर ऑफ एटम क्वेश्चन में दिया था, CO2 में टोटल इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो उसमें ऑक्सीजन एटम कितने होंगे? 0.44004 Na/3। क्या क्लियर है सबको? समझ में आया ये रिलेशन? समझ में आया? यूनिटरी मेथड ही लगाया यहाँ पे। क्लियर? चलिए, अब बचा हुआ है हमारा क्या? फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में, फिफ्थ में क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। सिक्स्थ में कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या वो हो जाएगा? अभी एटम के नंबर ऑफ एटम्स आ चुके हैं ऑक्सीजन के, क्या यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं ऑक्सीजन के लिए? नंबर ऑफ मोल्स, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम तो पता ही है, तो 1 मोल कंटेन Na एटम, तो इतने नंबर ऑफ एटम के लिए मोल्स कितने आ जाएंगे? Na से डिवाइड कर देंगे, Na से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.004 / 3 मोल्स। Na से डिवाइड करोगे, Na से Na कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 0.004 / 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलर वे में कार्बन के लिए भी निकालना है कि कार्बन के कितने मोल्स होते हैं, तो कार्बन के मोल्स निकाल लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व करिएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्लास एंड करते हैं। फिर आपको वॉल्यूम वाले क्वेश्चन से रिलेटेड, जो वॉल्यूम का पार्ट भी हमारा खत्म हो गया है, तो अब इसके क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन मैं आपको जो PDF सेंड किया था उसमें जो क्वेश्चन है वो आज टिक करके देता हूँ, वो क्वेश्चन अभी करने, क्योंकि कल पूरा खत्म नहीं हो पाया था, वॉल्यूम का रिलेशन नहीं पढ़ा था हमने, इसलिए कल क्वेश्चन नहीं डाले। कल मैंने आपको रिवाइज करके आने के लिए बोला था ना, तो कल वो वॉल्यूम का आधा रिलेशन पढ़ा था, आज रिलेशन पढ़ लिया है, अभी इन पे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय।